एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी सीरीज़ में, जिसमें मैं कुमाऊँ में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो लास्ट मैं गया था सोमेश्वर, आज मैं जा रहा हूँ सोमेश्वर से रानीखेत। और ये रास्ते में मेरे को ये रिवर दिखी, तो देखो क्या ब्यूटीफुल जगह है ये। सो कुछ टाइम मैं यहीं पे बैठ गया। उत्तराखंड में ट्रैवल इज़ ऑल अबाउट यहाँ का नेचर, यहाँ की ग्रीनरी और ये सब एंजॉय करना। सबसे पहले मैं रानीखेत में पहुंचा हूं देखने गोल्फ कोर्स। ये है रानीखेत का गोल्फ कोर्स एरिया। यहां पे रुकना भी अलाउड नहीं है और 30 स्पीड लिमिट है। और ये देखो गोल्फ कोर्स ग्राउंड। कुछ लोग खेल भी रहे हैं यहां पे गोल्फ। तो यहाँ पे पहले अलाउड होता था जाना, लेकिन अब इन्होंने मेंबरशिप कर दिया। इवन फॉर द टूरिस्ट दे हैव टू बाय मेंबरशिप। यह है रानीखेत में रानी झील, जहाँ पे ताला लगा हुआ है क्योंकि यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है और पानी भी नहीं है ज़्यादा। छोटी सी झील है, वो भी सूखी हुई है। तो ये है रानीखेत की मॉल रोड। इस टाइम तो सब यहाँ पे 7 बजे ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। इसी लाइन पे बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे 1000 रुपीज़ मिनिमम। ये है रात का नज़ारा यहाँ का। और ये देखो नीचे द्वारा हाट का नज़ारा। यहाँ पे अगर होटल्स लोगे तो पार्किंग यहाँ पे नहीं मिलती है, पार्किंग ये किसी और जगह टॉप में लगवाते हैं, तो ये ध्यान रखना। बट ये देख लो यही है इनकी मॉल रोड, ऐसी काफ़ी लंबी सी है। तो यार यही था मेरा रानीखेत का सफ़र। आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर की तरफ। आई होप ये सीरीज़ कुमाऊँ सीरीज़ देख के आपको मज़ा आया होगा। और ये पहाड़ देखो, यही है पूरा उत्तराखंड। यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, बट यहाँ पर नेचर अभी भी at its best. Subscribe to my channel guys. I'll see you in the next one. Bye.